पिछले करीब तीन महीनों से तीन काले कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन देते हुए तथा आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज करनाल में एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें करनाल के कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मुख्य तौर पर मौजूद रहे। श्रद्धांजलि समारोह की शुरुआत सबसे पहले शहीद हुए किसानों के लिए दो मिनट का मौन रखकर किया गया, उसके बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर सरकार को जगाने के लिए खेती का खून नामक पुस्तक का विमोचन भी किया गया, जिसके माध्यम से सरकार को जगाया जा सके और वह अपने तीनों काले कानून वापस ले। इस मौके पर सरदार त्रिलोचन सिंह ने भाजपा सरकार को संवेदनहीन बताया, तो वहीं पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा ने भाजपा नेताओं तथा मंत्रियों के द्वारा किसानों के लिए दिए जा रहे अनाप शनाप बयानों की निंदा की। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भाजपा के नेता और मंत्री अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और इन्हें दिमागी उपचार की आवश्यकता है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेसी नेता वरिंदर सिंह राठौर ने कहा कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कमजोर मुख्यमंत्री है। गृह मंत्री अनिल विज के छोटे भाई के साथ हुए डीआईजी के विवाद के बाद डीआईजी के निलंबन को उन्होंने निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चौपट हो चुकी है। छोटे से विवाद के कारण डीआईजी रैंक के अधिकारी का निलंबन यह दर्शाता है कि भाजपा की सरकार तानाशाही है और आने वाला समय इन्हें इनकी हैसियत बता देगा। दोस्तों, मैं तरुण उदान और इस समय मेरे साथ मौजूद बात करने के लिए सरदार त्रिलोचन सिंह। सर आज का क्या प्रोग्राम था? देखिए, आज AICC के आदेश अनुसार हमारे 90 के 90 विधानसभा हलकों में ब्लॉक लेवल पर मीटिंग का आयोजन करके किसानों को समर्थन देना है। तीन अध्यादेश के खिलाफ आज वो देने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। साथ ही किताब AICC की तरफ से जो इशू हुई है, जिसका नाम है खून की खेती, आज वो हमने रिलीज़ की है। उसके माध्यम से लोगों की आंखें खुल जाएंगी। जो अध्यादेश लेके आई है उससे देश टूटेगा, फिर से गुलाम होगा। नरेंद्र तोमर जी कहते हैं कि फिलहाल उनके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कितने किसानों की मौत हुई है, जबकि जो किसान हैं वो अधिकारी तौर पर पुष्टि कर रहे हैं कि 222 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं और ऐसे कई किसान हैं जिनका अभी तक जो लापता है। मैं मानता हूँ वो किसान नहीं है JP दलाल, ना भी वो इंडियन लगते हैं, भारतीय लगते हैं। अगर भारतीय सभ्यता उनके बीच में होती तो रोज़ अखबार भी पढ़ते, उनको मालूम भी होता है इतने किसान मर चुके हैं। रोज़ अखबारों में आता है, चैनलों पे आता है, उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। श्रद्धांजलि देने के अलावा उन्होंने उस पर कटाक्ष रचा है। जो कटाक्ष है वो किसानों को बड़ा तकलीफ हुई है, उससे किसानों को ही नहीं हर भारतवासी को तकलीफ हुई है। जिस देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे सूरमों ने अपनी फांसी का फंदा चूमा था, आज उसी देश के अंदर किसानों के साथ ऐसा बदा मजाक किया जा रहा है। इसमें JP दलाल जो है, मैं मानता हूँ उनमें मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है। सर, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो कानून आपकी रक्षा नहीं कर सकता उसको खत्म करवा देना ही आपका परम कर्तव्य है, उसके बारे में। हम उसी की पार्टी हैं, महात्मा गांधी की आशीर्वाद से चली हुई पार्टी। देश की एकता अखंडता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने अपने प्राण न्यौछावर किए, लेकिन देश को टूटने नहीं दिया। और फिर हमारी बारी आई है, हम देश को टूटने नहीं देंगे। देश की एकता अखंडता के लिए किसानों के साथ हम खड़े हैं। खून की खेती में क्या कुछ आपने? खून की खेती में आपको दूंगा, वो पढ़ के देखो आप, पढ़ने लायक है, काफ़ी बड़ी है, इसलिए थोड़ी बातों में नहीं बता पाऊंगा, पढ़ के आपको पता लग जाएगा सच्चाई क्या है। यही खून की खेती, यही जो आज खून खेती है, किसान अपने खून का रक्त से उससे सींच कर उसने खेती की है। उसी खेती को आज ये तोड़ने का, जो गुलामी के माध्यम से उसको तोड़ने का जो निश्चय किया है उसके ऊपर है कि किसान अपना खून बहाकर इस ज़मीन को बचाता है। देश को बचाने के लिए भी खून बहाया गया, खेती को बचाने के लिए भी खून बहाकर कि वो अपने खेत को बचाता है, इसलिए खून की किसान है। आज पूरे देश में है ये कार्यक्रम? आज नहीं, 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक 90 के 90 विधानसभा हरियाणा में और टोटल हिंदुस्तान में ब्लॉक स्तर पर ये मीटिंग है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये थे हमारे साथ सरदार त्रिलोचन सिंह जी, जिन्होंने इस समय मुझे बताया कि कृषि कानूनों के विरोध में किस तरह से आज करनाल में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इसके अलावा एक किताब का विमोचन किया गया जिसका नाम है खून की खेती, यानी कि किस तरह से आज किसान खेतों में अपना खून बहा रहा है, वो अपना जो खेती करने का उसका समय है, उस खेती करने के समय की बजाय वो इस समय
बॉर्डर पर है, पिछले 83 से अधिक दिनों में बॉर्डर है। इसके अलावा इन्होंने यह भी बताया कि जिस तरह से बीजेपी के नेता जेपी दलाल के द्वारा यह भाषण दिया गया था कि किसान अगर वहाँ नहीं मरते तो यहाँ पर रह के मर जाते या टुकड़ों टुकड़ों में मर जाते, वो इसकी भरपूर निंदा करते हैं। इनका यह भी कहना है कि जब तक कृषि काले तीन काले कानून रद्द नहीं हो सकते, इनका यह आंदोलन जारी रहेगा और आगामी 15 तारीख तक 90 की 90 विधानसभा क्षेत्रों में इस तरह के समारोह का आयोजन किया जाएगा, जहाँ पर शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और लोगों को जगाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक इस आंदोलन को बल मिल सके और किसानों की जो मांगें हैं उन पर सरकार गौर करे। पिछले 83 दिनों से जो किसान बॉर्डर पर डटे हैं, जो किसान शहीद हो गया, सरकार उसके बावजूद भी उनका सुध नहीं ले रही। गुप्ता जी, आज का जो कार्यक्रम रखा गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पूरे देश के अंदर किसान आंदोलन चल रहा है और जो ये तीन काले कानून हैं, जिसको देश के कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि इसमें काला क्या है, तो इससे अच्छा कौन बता सकता है? जो उन्होंने लिखे हैं ये कानून, उन्होंने जो बनाए हैं, तो जब उनकी आत्मा काली है तो लिखे भी उन्होंने काले हैं, उनसे ज़्यादा मैं तो समझता नहीं कोई बता सकता है ये बात। सर, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का ये कहना है कि हमारे पास जो किसान मारे गए हैं इस आंदोलन के दौरान, 222 किसान जो मारे गए हैं, उनका रिकॉर्ड तक उनके पास मौजूद नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक मंत्री के पास, एक कृषि मंत्री के पास शहीद हुए किसानों का ब्यौरा नहीं है, आखिर इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, बीजेपी RSS दोनों संवेदनहीन पार्टियां हैं। RSS भी उन्हीं की ब्रांच है। जब देश के किसान की इस तरह अगर वो बात करते हैं, उनके शहीदी लगभग 220 के किसान शहीद हुए हैं, और वो ऐसी बात करते हैं कि हमें पता नहीं है, तो फिर उनको वैसे इस्तीफा दे देना चाहिए केंद्रीय कृषि मंत्री को। अगर उन्होंने अपने देश के किसान के बारे में यही नहीं पता कि वो कैसे शहीद हुए हैं, वो बॉर्डर पे दिल्ली के चारों तरफ कैसे बैठे हैं, वो ठंड में कैसे मर रहे हैं, उनका आपने पानी बिजली बंद कर दिया, आपने उनके चारों तरफ कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी, लोहे की आपने पैनी किले खड़ी कर दी, आप ये कोई पाकिस्तान के लोग हैं? ये किसान हिंदुस्तान का है। कभी आप उनको खालिस्तानी बताते हो, कभी उनको चाइना के लोग बताते हो, कभी आप उनको पाकिस्तान के लोग बताते हो। आप पहले यही फैसला कर लो कि आपने इनको किसान, आपके जो प्रधानमंत्री हैं वो राज्यसभा में कहते हैं किसान जीवी परजीवी बताते हैं, आंदोलन जीवी बताते हैं, आंदोलन परजीवी बताते हैं, और फिर वो लोकसभा में पवित्र बताते हैं कि ये किसान जो आंदोलन है ये पवित्र है, और व्याख्या उनका कोई मंत्री कुछ करता है। हरियाणा का कृषि मंत्री ये व्याख्या करता है कि ऐसे तो लोग मरते ही रहते हैं, ये तो रूटीन का काम है। तो अगर थोड़ी सी भी शर्म बीजेपी के पास होती, हरियाणा के मुख्यमंत्री के पास अगर किसानों के प्रति हमदर्दी होती, तो आज जेपी दलाल कृषि मंत्री नहीं होते। देखिए, ये थे हमारे साथ सुरेश गुप्ता जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से जो बीजेपी पार्टी है वो अब संवेदनहीन पार्टी हो चुकी है, वह किसानों की सुध नहीं ले रही। कि जिस नेता को या जिस मंत्री को यह नहीं पता है कितने किसान कैसे और कहां शहीद हो गए और उनकी संख्या कितनी है, तो ऐसे मंत्री को तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके अलावा जो भी पशुपालन मंत्री जेपी दलाल है, उनके द्वारा पिछले दिनों जो किसानों के लिए बयान दिया गया था, वो उसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। उनका ये भी कहना है कि जो काले कानून सरकार किसान नहीं चाहते, तो उन पर क्यों जबरदस्त थोपा जा रहा है? उन किसानों के लिए वहाँ पर कंक्रीट की दीवारें बना दी गई, जो पिछले 83 दिनों से वहाँ खड़े, 85 दिनों से वहाँ पर हैं, उनके लिए सड़कों पर किले लगा दी गई हैं, नुकीली किले लगा दी गई हैं। जब सरकार उनको कभी पाकिस्तानी, कभी खालिस्तानी, कभी आतंकवादी बताती है, जब सरकार उनको यही नहीं पता कि वो लोग कौन हैं, तो सबसे पहले सरकार को उनके बारे में पता करना चाहिए, उसके बाद ही कोई ऐसा बयान देना चाहिए। कि है, मैं आपको फिर बता दूं कि एक कृषि काले, जो तीन काले कानून बनाए गए हैं, तीन कृषि काले कानून जिनको किसानों ने काले कानूनों की संज्ञा दी है, उनके विरोध में जो हमारे जो किसान हैं, देशी अन्नदाता हैं, वो पिछले 83 से अधिक दिनों से दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पर डटे हैं। उनको हटाने के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है, लेकिन किसान है कि वो अभी तक डटे हुए हैं, और उन जो किसान वहाँ पर शहीद हो गए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज करनाल में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहाँ पर सुरेश गुप्ता जी पहुँचे थे। उन्होंने समाचार एक्सप्रेस से विस्तार से बातचीत की सरकार की कितनी संवेदनशीलता है। ये तीनों कानून काले कानून हैं, और आज पूरे देश के अंदर 3 महीने के करीब लगभग होने जा रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ
कि ये भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार, इनकी कोई भी रत्ती भर भी संवेदना इस देश का जो अन्नदाता है, जो पूरे देश को अन्न खिलाता है, इसके साथ साथ मजदूर, मैं तो कहता हूँ कि जिस तरह से किसान बैठे हैं इस धरने के ऊपर, चारों तरफ दिल्ली के चारों तरफ, और हर कुंडली बॉर्डर के ऊपर, चाहे ये टिकरी बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, आज पूरे देश में ये एक विश्व का सबसे बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन है। और मैं समझता हूँ कि ये तब तक नहीं उठेंगे जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। आप रोज़ाना देख रहे हो, आज तक के इतिहास में ये कभी नहीं हुआ, मैं भी होम मिनिस्टर रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की, हरियाणा की सरकार का कोई भी मंत्री, कोई भी MLA अपने हलके में घुस नहीं पा रहा। और कल JP दलाल का जो बयान आया है, जो कृषि मंत्री हैं, मैं तो कहता हूँ इससे बेहुदा, इससे लचर, इससे गैर जिम्मेवाराना कोई बयान आ नहीं सकता। और उसकी तो मैं कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और सरकार से डिमांड करता हूँ। और मैं कल के अखबार में पढ़ रहा था, मनोहर लाल खट्टर जी बयान क्या दे रहे हैं कि जो टोल का जो नुकसान हुआ है ये आंदोलनकारियों से वसूल किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि नीचे मंत्री से लेकर, संतरी से लेकर मुख्यमंत्री तक, इनका दिमाग का दिवालियापन निकल गया है और ये सारे के सारे किसान विरोधी हैं। और जल्दी समय आएगा जब आप ये देखोगे कि इस देश के लोग, चाहे BJP की सरकार हरियाणा में हो, चाहे देश में हो, इनका जल्दी से जल्दी इनका पत्ता साफ करेंगे। आज हमने एक किताब का विमोचन किया है और पूरे प्रदेश के अंदर कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में जो ये किसानों के समर्थन में जो अभियान चलाया जा रहा है, ये करनाल तो मैं ऑब्जर्वर बना के भेजा हूँ, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता एकजुट होकर किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। विधायक जो है गाजियाबाद के, उन्होंने भी आज जो है किसानों के लिए कहा है कि किसान आतंकवादी हैं, जो अभी बिल्कुल बयान आया कुछ समय पहले ही, इनका दिमाग खराब हो गया है। ये हमारे रोहतक PGI के अंदर सबसे बड़ा पागल खाना है, इनको वहाँ दाखिल करना चाहिए। और ये मेंटली बिल्कुल डिरेल हो चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि जब जब किसान खड़ा हुआ है तब तक सरकार को मुंह की खानी पड़ी है, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, और इनके इतने बेहुदे बयान आ रहे हैं, कोई तो इनको पाकिस्तानी कह रहा है, कोई खालिस्तानी कह रहा है, कोई पता नहीं क्या लफ्ज़ कह रहा है, तो मैं समझता हूँ कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनका समय जाने का आने वाला है। किसान खुशहाल होंगे और कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में, शैलजा जी के प्रदेश में नेतृत्व में, इनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए हर छोर तक जाएगी, मैं ये कहना चाहता हूँ। इतना भारी विरोध होने के बावजूद भी जो है ऐसे बयान आते हैं, इसके पीछे क्या मंशा लगती है आपको? इसके पीछे मंशा की क्या मंशा है? इसके मंशा ये है, मैं साफ बताना चाहता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, इनका पुराना इतिहास देख लो, ये धर्म के नाम पर, ये जात के नाम पर, ये इनका कोई एजेंडा विकास का नहीं होता, ये धर्म और जाति के नाम पर देश को बांटने की कोशिश करते हैं, बांटने का प्रयत्न करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी ये मंशा कभी पूरी नहीं होगी। मेरे साथ ये वरिंदर राठौर जी खड़े हैं, सुरेश गुप्ता जी हैं, अलग अलग जिलों के अंदर ये ऑब्जर्वर बनाए हैं, ये ऑल इंडिया के सेक्रेटरी हैं, त्रिलोचन सिंह हमारे जो यहाँ के हैं, ये कहाँ खड़े जो कन्वीनर हैं, संयोजक हैं, तो हम सारे इकट्ठे होकर किसानों की पुरजोर लड़ाई लड़ेंगे और आखिरी छोर तक इनका साथ देंगे। धन्यवाद। अब मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है वीरेंद्र सिंह राठौर जी। आप आज का जो कार्यक्रम था, किसानों को जो श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, एक पुस्तक का विमोचन किया गया, पुस्तक के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पुस्तक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि ये तीनों कानून कैसे ना केवल किसान विरोधी हैं, परंतु छोटे व्यापारी और ख़ास तौर पे जो हमारे ऐसी भाई हैं जो PDA सिस्टम पर निर्भर रहते हैं, उसको, उनके भी जीवन को ये पूर्ण रूप से बर्बाद करने का काम करेगा। तो जो तीनों कमियां इन तीनों कानूनों में हैं, उनको पूर्ण रूप से उजागर इस पुस्तक के माध्यम से किया जा रहा है और देश के अंदर एक जागरूकता अभियान जो है कांग्रेस पार्टी पूरे देश में चला रही है। सर, कृषि मंत्री जी कहते हैं कि उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कितने किसान शहीद हुए हैं, दूसरे मंत्री ये बयान देते हैं कि अगर मरना ही है तो अपने घर पर भी मर जाते। देखिए उनका क्या कहा जाए, मतलब देखिए
कृषि मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक और इनके विधायकों तक। जैसा कि सुभाष बत्रा जी ने कहा कि ये मानसिक दिवालियापन पूरी भाजपा सरकार का हरियाणा में और अलग अलग जगह पे हो चुका है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो बयान हैं ये जानबूझकर दिए जा रहे हैं। एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आंदोलन बड़ा पवित्र था, अगर आंदोलन पवित्र था तो इसका मतलब जिस मकसद के लिए आंदोलन किया जा रहा है वो भी पवित्र है। दूसरी तरफ मंत्री जो हैं वो उकसाने वाला बयान दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जो हैं वो उकसाने वाला बयान दे रहे हैं। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि ये लोग चाहते हैं कि किसान को किसी तरीके से भड़काया जाए ताकि देश के अंदर अशांति का माहौल पैदा हो और भाईचारा जो है वो ख़राब हो और कोई ना कोई फिर डिवीज़न करने की जो सोच, जो मूलभूत सोच आरएसएस और बीजेपी की है वो फिर हावी हो। सर, आप एक अधिवक्ता हैं, अगर कोई व्यक्ति सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन इन किसानों को रोकने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा सड़कें खोद दी गई, सड़कों पर किले लगा दिए, हरियाणा सरकार के द्वारा, उसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेवार है, तो इनका जुर्माना किस पर लगना चाहिए? इसके ऊपर क्या उनके हरियाणा के मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमा दर्ज होना? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को अकाउंटेबल होना चाहिए। मुख्यमंत्री, सरकार कहाँ चल रही है, प्रजातंत्र कहाँ है? आपने अभी देखा, हालांकि आज तो हमारा किसान का आंदोलन है, परंतु मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ इस विषय पे भी, जो हरियाणा के जो बड़े DIG अशोक कुमार जी के साथ हुआ है, क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या आदमी को अपनी विचार व्यक्त करने की आज़ादी नहीं है? जहाँ तक मुझे इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी हुई, वो कोविड को लेकर के एक चर्चा एक आम शादी के समारोह में चल रही थी, उस चर्चा को विज साहब के भाई सुनते हैं और उसके ऊपर वो अपना रिएक्शन देते हैं और गाली गलौज करते हैं, और उसके बाद आकर के एक जो DIG रैंक का अफसर है उसके खिलाफ, उनके खिलाफ ना केवल FIR दर्ज होती है परंतु उनको सस्पेंड भी कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? मुख्यमंत्री क्यों सोए हुए हैं? मुख्यमंत्री को यह दिखता नहीं कि भाई ये क्या आप हरियाणा के अंदर कर रहे हो, इससे क्या होगा? पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स है, आज आप DIG लेवल के ऑफिसर के साथ ये इस तरीके का बिहेवियर करोगे तो एक डीमोरलाइजेशन आ जाएगी पुलिस फोर्स में। अगर पुलिस फोर्स डीमोरलाइज हुई तो प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। तो मैं बारी बारी हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि CM साहब को तजुर्बे की बहुत कमी है, एडमिनिस्ट्रेटिव तजुर्बा नहीं है, ये तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। विज साहब से चीफ मिनिस्टर को ना केवल जवाब मांगना चाहिए था, परंतु अगर ये ऐसा एक्शन अनिल विज जी ने कराया था उसके ऊपर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए थी। सर, एक तरफ DIG को सस्पेंड कर दिया गया, दूसरी तरफ करनाल का बहुत चर्चित मामला, उसमें ट्रांसफर तक नहीं हुई, रेप केस में, इसको किस नजरिए से देखिए? देखिए, बिल्कुल आम आदमी को आवाज़ उठाने का कोई अधिकार इस प्रदेश के अंदर नहीं रह गया है। आप देख सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया बैन का मामला हो, उसके अंदर भी गैर कानूनी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बैन लगाया गया था, उसको हमने फिर हटवाया, वहाँ सरकार को मुँह की खानी पड़ी। फिर इसी प्रकार से शहीद मदन लाल जी ढिंगरा की मूर्ति को भी इसी प्रकार से ज़बरदस्ती उठा दिया गया था, हमें फिर वो वहाँ पे वापस स्थापित करानी पड़ी। अब आप देख सकते हैं DIG अशोक कुमार जी का मामला है, इसके अंदर भी ज़बरदस्ती, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है कि अगर आम विचारों की अभिव्यक्ति अगर इस देश के अंदर आदमी नहीं कर सकता तो फिर डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स तो कोई ख़त्म ही हो गए इस देश में। आम जनता अगर इसकी कंप्लेंट करती है तो शायद FIR भी दर्ज ना होती, और एक तरफ ये सस्पेंड कर देना तानाशाही का। देखिए, सारे मामले, चाहे वो बलविंदर MC का मामला हो और तमाम जो मामले हैं, सारे तानाशाही पूर्ण रवैये अपनाए गए हैं, प्रदेश में प्रजातंत्र पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका है। और DIG अशोक कुमार जी वाले मामले की तो मैं घोर निंदा करता हूँ, इसमें मुख्यमंत्री जी को इंटरवीन करना चाहिए था, मुख्यमंत्री का इंटरवीन ना करना मुख्यमंत्री को एक कमज़ोर मुख्यमंत्री साबित करता है, जो अपने ऑनेस्ट ऑफिसर्स की प्रोटेक्शन भी स्टेट में नहीं कर सकता। इससे पुलिस फोर्स डीमोरलाइज होगी, और अगर पुलिस फोर्स डीमोरलाइज हुई तो मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था प्रदेश में चौपट हो जाएगी। तो इसलिए अतिशीघ्र मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि अनिल विज के भाई के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इस FIR को निरस्त किया जाना चाहिए और DIG अशोक कुमार जी को पूर्ण रूप से बहाल किया जाना चाहिए। देखिए, ये थे हमारे साथ वीरेंद्र सिंह राठौर, इससे पहले सुभाष बत्रा जी थे हमारे साथ, जो कि हरियाणा सरकार के मंत्री, इस समय कन्वीनर के पद पर वो हैं, वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने यह जानकारी दी है कि किस तरह से जो भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार के जो नेता हैं, भाजपा सरकार के जो मंत्री हैं, वो दिवालिया रूप से, दिवालिया मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं, रोते
उन्होंने यह भी कह दिया कि रोहतक के अंदर एक सबसे बड़ा पागलखाना है, वहाँ पर इनको इलाज की जरूरत है। इसके बाद जो वीरेंद्र सिंह राठौर ने हमारे से बात की है, उन्होंने यह भी बता दिया कि इस समय हरियाणा के अंदर तानाशाही है। जिस तरह से इन्होंने हमें तीन चार मामलों की जानकारी दी और महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए हमें यह भी बताया कि किस तरह से इस मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को, अगर यदि ये कमजोर मुख्यमंत्री, इनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि इस्तीफा नहीं देते तो इससे हरियाणा सरकार के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो बिल्कुल ही चौपट हो जाएगी। यह तानाशाही सरकार है। जिस तरह से DIG अशोक कुमार के निलंबन के मामले में इन्होंने अपना रोष व्यक्त किया। इन्होंने बताया कि एक गृह मंत्री के छोटे भाई के साथ एक वार्ता के दौरान बहस हो जाती है, बहस के बाद एक DIG रैंक के व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, उसके बाद उन्हें तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाता है, जो कि अति निंदनीय है। इससे पहले उन्होंने यह भी बताया कि इससे एक दो करनाल का मामला हो या इसके अलावा प्रदेश में एक दो और ऐसे मामले बताए गए हैं जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल करनाल के अंदर चौपट हो चुकी है। मैं आपको फिर से बता दूँ कि इस समय मौजूदा करनाल के मानव सेवा संघ में जहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें किसान आंदोलन के चलते जो भी किसान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और एक पुस्तक जिसका नाम खून की खेती है उसके विमोचन के लिए यहाँ पर सभी कांग्रेसी एकत्रित हुए थे, जिन्होंने बारी बारी से अपनी जानकारी, अपने विचार व्यक्त करते हुए इस भाजपा सरकार को तानाशाही सरकार बताया और किसानों के आंदोलन को पूर्ण रूप से सही बताया। और यह भी चेता दिया कि जब तक यह काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान वहाँ से नहीं हटेंगे और कांग्रेस भी उनके साथ है, कांग्रेस इन कृषि कानूनों को नहीं मानती। मैं तरुण दान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.